का फिर एक बार जगह बनाने की कोशिश, जगह भी बना गई, किक भी आया, जमीनी किक, दूसरा मौका और लड़का ने बोला कि नहीं आप रहिए, नहीं 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 अंतिम समय पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जगह बनाई किक आई गोल गोल, और इसलिए इनका कुछ अलग ही पहचान बना दिया। सुंदर गेंद लेकर आगे निकलना चाहते थे, लेकिन किशन सरदार जो एज स्टॉपर के तौर पर मौजूद है, रुकने में कामयाब रहे। बहुत ही सुंदर गेंद, मौका बनेगा, किक भी आई, बाहर रही गेंद, काफी नजदीकी मामला था, ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन एक बात को मैं जिक्र करूंगा कि शुरुआत में एक संकेत दे चुके हैं कि भाई धमाका बड़ा होने वाला है, धमाका बड़ा होने वाला है, हाई वोल्टेज मुकाबला, मैदान में आग लगेगी और सभी दर्शक ठंडा में, जैसा हम लोग आपकी शिकायत करते हैं, आप भी आपकी शिकायत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा खेल बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन मनोहर गलती कर बैठे, माकू आगे निकल के नहीं आए, और पहला चेतावनी, और वर्तमान चौकंदर और राउरकेला क्षेत्र उड़ीसा क्षेत्र से आते हैं, काफी अच्छा अनुभव रहा इनका भी। फिरोज खान की स्लाइडिंग हेडर, मौका बन सकता था, फिर एक बार जगह बनाने की कोशिश, जगह भी बना गई, किक भी आया, जमीनी किक, दूसरा मौका और आखिरकार एक बॉल भी बनाते यहां पर एडीबी ग्रुप के लिए, पहला मौका, आखिरकार जगह बनाई, जगह बनाने के बाद समांतर पासे आई और पहला गोल लाने में कामयाब हुए हैं यहाँ पर एडीबी ग्रुप। और थोड़ा सा एडवांटेज के लिए मिलता हुआ फिलहाल चैतन की रन आती हुई, बहुत ही सुंदर एडवांटेज लेना चाहते थे, उसी के पास गेंद थी, बिल्कुल। और खिलाड़ी जब गेंद होती है ना सौगंध, थोड़ा स्वार्थी हो जाते हैं, क्योंकि गोल का स्वाद वो चख चुके हैं इस समय। फिरोज खान उनके टीम के सबसे मित्र, वही देखने वाली बात होगी प्रेमी स्पॉर्डिंग की आपकी कैसे होती है, क्योंकि पत्थर चक्र में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ जीत हासिल करी है, इसका आत्मविश्वास बनी है। और शौकेंद्र, इस समय हम लोग मैदानी खेल की बात करें तो दोनों टीमों में वो क्षमता है, वो कुवत है, वापसी कर सकते हैं। हालांकि प्रेमी स्पॉर्डिंग हाड़ोर की टीम आज प्रथम मैच के मुकाबले द्वितीय मैच में थोड़ी सी खोई खोई नजर आते हैं, वो गति नहीं दिखाई पड़ी है अभी तक, मोमेंटम को शिफ्ट नहीं कर पाए हैं। फिलहाल फिरोज के लिए लंबी बॉल, सीधा फ्लैंक चेंज करते हुए फिरोज ने साथी खिलाड़ी को जरूर ढूंढा है, और वन टू वन की जो आज खेल रही है इन लोगों की काफी बेहतरीन। फिलहाल फिरोज गेंद को आगे लेकर जाते हुए, और इस बार इसकी आवश्यकता नहीं है, और मैं कहूंगा ये जी हाँ, मैं शुरू से कह रहा था शंकर की मैं करीब करीब मेरा उम्र 16-17 साल से मैं फुटबॉल से जुड़ा हूँ, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी ट्रॉफी इतना जिंदगी में नहीं देखा है। ये ट्रॉफी इस साल दिया जा रहा है, ट्रॉफी जैसा दिया जा रहा है, ठीक है, इस साल भी एक एम्बुलेंस चगड़ वासियों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि प्रत्येक वर्ष। इस साल भी सीजन 3 में HLM ट्रॉफी के एक और एम्बुलेंस ईचागढ़ वासियों को सौंपा गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य रहा है स्वस्थ ईचागढ़, सुरक्षित ईचागढ़। मैं पुनः एक बार धन्यवाद दे दूं जनसेवा ही लक्ष्य के संस्थापक आदरणीय हरिलाल महतो जी को, आपकी ये जो निस्वार्थ सेवा है, निस्वार्थ भावना है, वाकई आने वाले समय में लोगों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल मैदान पर वापसी करें, जो भी दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं पुनः एक बार आपको अवगत करा दूं कि इस समय आसमानी नीला लाल पीला ये है एडीबी ग्रुप, फिलहाल 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाब हुए हैं। बहुत ही सुंदर, क्या गति के साथ आगे बढ़े हैं, मौका बनेगा, थोड़ा समय जरूर लिया गया है, जगह बनाने की कोशिश, लेफ्ट फुटर किक भी आई लेकिन खिलाड़ी तक पहुंच नहीं पाए। और दर्शक साथियों से निवेदन है कि स्टेज पर मंच पर अनावश्यक भीड़ ना करें, अनावश्यक भीड़ ना लगाएं, थोड़ा सा स्थान दें, जगह दें, सकंदर खेल होते रहेंगे, और जनसभा ही लक्ष्य का जो उद्देश्य रहा, जो एक बहुत इस एनजीओ को मैं बात करूं, जो एक उद्देश्य रखा गया है, जनसेवा ही लक्ष्य,
मैं कहूंगा कि जनसेवा आप देख सकते हैं चागड़ में। आज अगर जन जन से आप पूछिएगा तो निश्चित तौर पे जनसेवा ही लक्ष्य के जो संस्थापक हैं उनके द्वारा जनता के प्रति प्यार और जनता के प्रति जो लगाव, जो समर्पण की भावना, जो निस्वार्थ, और इसीलिए इनका कुछ अलग ही पहचान बना दिया। और मनोहर ने यह कमाल किया, सुशील और मनोहर की पुनः एक बार अच्छी कॉम्बिनेशन, अच्छी तालमेल और लाजवाब प्रदर्शन का कोई जवाब नहीं। दो खिलाड़ियों का तीन खिलाड़ी नहीं रोक पा रहे हैं, बिल्कुल। और इसी तर्ज पर प्रथम चक्र में भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन का हुई थी, ये प्रदर्शन हुई थी शंकर रिमेक्स ने तबड़तोड़ बैक टू बैक तीन गोल किए थे और सगंदर दो गोल होने के बाद पूरी तरह से टूर्नामेंट के अगर लंबे इतिहास को देखा जाए, पिछला तीन सीजन को हम लोग अगर देखें 2022 कहें, 2023 कहें या 2024 है, 22-22 का जो सीजन रहा था वहां भी अगर हम लोग देखें तो जो टीम पहला गोल करी है हारने के चांसेस उनके कम रहे और ये भी दो गोल हो चुका है रिमिक्स जमशेदपुर के, सॉरी एडीबी ग्रुप के। तो मैं यही कहूंगा कि यहां से वापसी करना और उसके साथ साथ एक और गोल के लिए आगे बढ़ते हुए मौका बनेगा एडमी ग्रुप के, अच्छी क्रॉस के बजाय यहां पर साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, मौका बनेगा एक और गोल के काफी करीब, पंच किया गेंद को, फिरदौस खान मौजूद, जगह बनाई, किक आई, एक और गोल। ये फुटबॉल होना चाहिए, तालियां बजी है सौगंध, तालियां बजी, यही है फुटबॉल, इसीलिए इसको कहते हैं फायर प्ले कि आग रखना है। और यहां से अगर वापसी करना चाहती है प्रेम स्पोर्टिंग हाड़ौडी की टीम तो मुझे लगता है कि चमत्कार करने अगर संदीप माली और सुनील सोरेन कुछ तो अलग करना होगा इन दोनों खिलाड़ियों को। और योद्धा ही क्या जो दुश्मनों को संभलने का मौका दे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन को अगर आपने संभलने का मौका दिया तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी बहुत ही कम समय में, करीब करीब 10 से 12 मिनट में तीन गोल कुछ करिश्मा से कम नहीं लग रही है। और आपने सही फरमाया कि अभी चमत्कार करनी होगी, और क्या कर बैठे बहुत ही। और खेल जैसे चल रहे इसी तरह मैदान के साथ साथ स्टेज में भी, मनोहर के लिए बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन, हैट्रिक करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं मनोहर। पता ही नहीं चल रहा है कि ये खिलाड़ी की आज मानसा क्या है, क्योंकि इतनी ज्यादा स्कोर कोई व्यक्तिगत चार गोल करता है ये बहुत ही गर्व की बात होगी रिमिक्स के लिए। एक बार मनोहर, नहीं 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 नीचे रखने सर सर जी गोल तो हवा चाहिए, लेकिन वहां भी सही एटिकिंग नहीं। दादा आज के मन तो कल का धुलोट कैमन हो, तो कल के बंदूरा भूलें नहीं, कल का धुलोट ना हो इसलिए जो भी दर्शक हमारे बीच आज उपस्थित है, मन में अगर आपकी इच्छाएं हैं, ब्लड आप देना चाहते हैं, आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो एडवाइजर होंगे, हमारे पास कल डॉक्टर्स आने वाले हैं, आप वहां ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्रह्मानंद बिल्कुल वहां से डॉक्टर आएंगे हमारे बीच। और कल जो भी दर्शक ब्लड डोनेट करना चाहते हैं जनसेवा ही लक्ष्य के और शकल जो संस्थान है उनके द्वारा आयोजित की गई कल ब्लड डोनेशन कैंप की, और कल आप सबों का स्वागत रहेगा। लेकिन वर्तमान मैदान पर एक नजर डालें, अब प्रतिष्ठा की बातें हुई लेकिन ये भी गेंद चली गई मैदान के बाहर। सौकंदर मैं यही कहना चाहूंगा वापसी करना मुश्किल है, लेकिन आप नेक्स्ट टूर्नामेंट जब जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल को अगर आप बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए कम से कम दो गोल मैं कहूँ कि आसमानी नीला लाल ये जो टीम है, आसमानी नीला लाल पीला, ये 5 गोल अभी तक करने में कामयाब हुए हैं। और गहरा नीला और लाल ये है प्रेम स्पोर्टिंग हाड़ौडी की टीम जो अभी तक एक भी गोल नहीं कर पाए हैं, जो अभी तक के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मन में व्यथा है, लेकिन शायद एक और गोल आ सकते हैं क्या दादा? इटे होइले आधा दर्जन, छोटा होइले छोटा, छोटा होइले ना छोटा होइले, किंतु मैं खुशी के लबरेज देख रहा हूं, खुशियों की ये बरसात देख रहा हूँ खासकर। फिलहाल मैदान के बीचों बीच चले, 6 गोल की बड़ी बढ़त है
और वर्तमान में सौकंदर एक बात को मैंने आपसे जिक्र किया था सुबह ही जब माइक्रोफोन हाथ में आया तो मैं एक शख्सियत का मैंने तारीफ किया था और अमृत डांग से मैंने बात हुई थी तो राजकुमार जी को उन्होंने एक शब्द में बोला था कि नहीं कि अच्छे रेफरीज हैं, मैं उनको लेकर आऊंगा। राजकुमार जी एज ए मैन रेफरी के तौर पर है और राउरकेला से लेकर यहां तक एक लंबा सफर तय करने के बाद एचएलएन ट्रॉफी को कैसे ठीक ढंग से समाप्त करें इसकी जिम्मेदारी उठाई है, उनको भी एचएलएन ट्रॉफी के साथ मनोहर एक बार बोला कि भाई हमें चेंज कीजिए, लड़का लोग बोला कि नहीं आप रहिए, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं अंतिम समय पर ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए इस तरह ना करें, आप सभी अच्छे प्लेयर हैं और अमन मनोहर इसके पहले भी बहुत ही करीब से गोल किया था, तीन तीन खिलाड़ियों को बीट करने के बाद गोलकीपर को भी बीट किया और गोल किया और ठीक है अभी भी इसको दोहराना चाहते थे मनोहर, बहुत ही प्यार से काम लेना चाहते थे लेकिन एक सोच ये प्रेम इस बड़े हारोड़ी के खिलाड़ी के कि अभी हम गोल नहीं करने देंगे। एक अच्छा मौका